एनिमल किंगडम में खतरनाक जानवरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हमें हर कदम पर एक ऐसा शिकारी जानवर देखने को मिल जाता है जिसके सामने आने से भी जंगल के सभी जानवर खौफ खाते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ ये जंगल शेर और चीता जैसे शिकारियों से भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी जानवर कम नहीं है जो इनके शिकार बनते हैं। वैसे अगर शिकार होने वाले जानवरों को देखा जाए तो इनमें सबसे पहला नाम आता है एंटीलोप फैमिली के जानवरों का। ये जंगल के वो जानवर हैं जो खतरनाक शिकारियों के लिए सबसे आसान शिकार बनते हैं। जहां दूसरे जानवर सुबह होने के साथ अपने लिए खाना ढूंढते हैं, तो वहीं इनके सामने खुद को बचाने की चुनौती भी होती है। आज हम इनके इसी संघर्ष से भरे कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्हें देख आप भी समझ जाएंगे कि एंटीलोप के लिए जंगल में जीना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब जैसे इस वीडियो को ही देख लीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक इम्पाला तालाब के बीच में मौजूद एक टीले पर खड़ा हुआ है। उसके घबराते हुए कदम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है और यहाँ से निकलने के लिए एक रास्ते की तलाश कर रहा है। वो इस टीले पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि तभी पानी में से एक खतरनाक मगरमच्छ निकलता है और उस पर अपनी नजरें गड़ाए वहीं बैठ जाता है। अब इम्पाला जैसे ही मुसीबत को देखता है तो तुरंत ही वहाँ से बचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि मगरमच्छ भी पानी का शिकारी है। वो भी उस इम्पाला के पीछे पानी में कूद पड़ता है और पल भर में ही उसके पास पहुंच जाता है। मगर इसी बीच एक हिप्पो भी यहां आ पहुंचता है। वो इन दोनों की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक मगरमच्छ अपने शिकार पर टूट पड़ता है और उसे अपने जबड़े में दबाकर पानी में चला जाता है। इधर हिप्पो पानी में से अपना सिर निकालकर उस मगरमच्छ को देखता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अभी हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से मगरमच्छ ने अपने शिकार को अंजाम दिया, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इम्पाला ने भी अच्छी कोशिश की। वैसे ऐसा हमेशा भी नहीं होता कि ये एंटीलोप किसी मगरमच्छ का शिकार बन ही जाए, क्योंकि ये भी बहुत तेज होते हैं और पल भर में ही अपनी फुर्ती भी दिखा देते हैं। जैसे इस तालाब के किनारे पर पानी पी रहे गैजल को ही देख लीजिए। ये पानी पीने में इतने मशगूल हैं कि इन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि पानी में भी कोई शिकारी हो सकता है। इसी बीच शायद गैजल को किसी खतरे का एहसास होता है और वो तालाब से दूर हट जाता है। मगर वही दूसरा गैजल अब भी पानी पीता रहता है, लेकिन तभी अचानक पानी में से एक मगरमच्छ निकलता हुआ उस गैजल पर हमला बोल देता है। हालांकि उसका हमला घातक है, लेकिन गैजल भी अपनी फुर्ती दिखाता है और तुरंत ही उछलकर पीछे की तरफ हट जाता है। इधर बेचारे मगरमच्छ के हाथ कुछ नहीं आता और उसे फिर से पानी में जाकर ही संतोष करना पड़ता है। दरअसल एंटीलोप की प्रजाति के जानवरों का जीवन ही कुछ ऐसा होता है। इन्हें जंगल में हर कदम फूंक फूंक कर ही रखना पड़ता है, वरना कब, कहां से और कौन सा जानवर इन पर हमला कर दे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे कई बार तो इनकी कोशिश रंग लाती है और ये अपनी जान बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भला किस्मत भी तो हमेशा आपका साथ नहीं दे सकती। जैसे इस इम्पाला को ही देखिए, जो इस छोटे तालाब के किनारे पर मगरमच्छ के हमले का शिकार हो चुका है। मगरमच्छ उस पर एक दमदार हमला करता है और उसे अपने जबड़े में भरता हुआ पानी के अंदर लेकर चला जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि इम्पाला की जिंदगी जैसे खत्म ही हो गई है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि इम्पाला खुद को बचाने के लिए अपने पैरों को चलाने लगता है और कोशिश करता है कि जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। हालांकि मगरमच्छ से बचना इतना भी आसान नहीं है और ये बात इम्पाला को भी जल्दी ही समझ आ जाती है, मगर वो अब भी लगातार बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता है। आखिरकार कुछ देर में ही वो समय भी आ जाता है जब इम्पाला मगरमच्छ से छूटकर तालाब से बाहर निकल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि इधर जैसे ही इम्पाला बाहर आता है तो वहीं झाड़ियों में बैठा एक लेपर्ड उस पर मौत बनकर टूट पड़ता है और अगले ही पल उसे अपना शिकार बना लेता है। इधर पास में ही उस इम्पाला के कुछ और साथी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाते और लेपर्ड उस इम्पाला की गर्दन को अपने जबड़े में भरकर उसका दम निकाल देता है। बेचारे इम्पाला ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी कोशिशों का अंजाम इतना बुरा होगा, क्योंकि वो तो बस कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से बस उनकी जान बच जाए। दरअसल ये जानवर शिकारियों की नजर में सबसे पहले आते हैं और वे इसी कोशिश में रहते हैं कि जल्दी से इन्हें अपना शिकार बना ले। कई बार तो ये ऐसी मुसीबतों में भी घिर जाते हैं जिनके बारे में इन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि कैसी मुसीबत, चलिए हम बताते हैं। यहाँ जंगल का राजा शेर कीचड़ से भरे हुए तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक इम्पाला इसी तालाब के बीच कीचड़ में फंसा हुआ है। इन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस शेर से बचने के लिए ही इम्पाला ने तालाब का रास्ता लिया था, लेकिन शायद बेचारे को ये नहीं मालूम था कि ये भी आगे जाकर फंस ही जाएगा। इधर कुछ देर के इंतजार के बाद शेर भी किनारे पर ही बैठ जाता है और इम्पाला भी जैसे बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन तभी यहाँ एक हिप्पो अपने बच्चे के साथ आ पहुँचता है। वैसे अगर आप हिप्पो के बारे में जानते हो तो ये शाकाहारी जानवर होते हैं और अक्सर ही मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद कर देते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हिप्पो बड़े ही इत्मीनान से उस इम्पाला के पास जाता है और अगले ही पल उसे अपने जबड़े में भर लेता है। हिप्पो पहले उस बेचारे को अपने मजबूत जबड़े से दबाता है और फिर उठाकर पास में फेंक देता है। उसका हमला
इतना खतरनाक है कि कुछ ही पलों में इम्पाला अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है और उधर बाहर खड़ा शेर भी मायूस हो जाता है। यानी आप खुद सोचिए कि इन जानवरों की जान जंगल के खतरनाक शिकारियों के कारण तो मुसीबत में रहती ही है, लेकिन कई बार तो इनकी जान के दुश्मन वे जानवर भी बन जाते हैं जो इन्हें खाते भी नहीं है। इसका मतलब इनका अपनी जान को बचाने का संघर्ष हमारी सोच से भी कई गुना बड़ा है, क्योंकि सोचिए कि जिस जानवर को शाकाहारी जानवर भी मार डाले भला उसे कितना सतर्क रहना होता होगा। और कई मौके तो ऐसे भी आते हैं जब इन बेचारों की मौत इतनी भयावह हो जाती है कि आप भी इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसका एक नमूना भी हमारे पास है, अगर आप भी वो देख लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक हायना के हाथ आज शिकार के रूप में इम्पाला लग गया है। वो उस बेचारे इम्पाला के पेट पर अपने नोकीले दांतों को गड़ाता है और अगले ही पल उसे जमीन पर गिरा देता है। हालांकि इम्पाला खुद को इस मुसीबत से बचाने के लिए बहुत हाथ पैर चलाता है, लेकिन हायना है कि किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को राजी नहीं होता। वैसे हायना के बारे में आपको बता दें कि इनका नाम जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में शामिल है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे जिंदा ही नोच खाना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे इनका वो शिकार इनके सामने कितना ही क्यों ना तड़पे, लेकिन ये उस पर जरा भी रहम नहीं खाते। शायद यही कारण है कि यहाँ भी हायना और इम्पाला के बीच की इस लड़ाई को पास में ही खड़ा एक लेपर्ड भी देख रहा है, लेकिन उसकी भी हिम्मत उनके बीच आने की नहीं हो रही। इधर थोड़ी ही देर में हायना उस इम्पाला के पेट पर एक बड़ा छेद बनाकर रख देता है। बेचारा इम्पाला दर्द से छटपटाता रहता है और इस हालत में भी खड़ा होकर वहां से निकलना चाहता है, मगर हायना उसे जाने का एक भी मौका नहीं देता और उसके मांस को फिर से नोचने लग जाता है। दोस्तों, इन जानवरों का जंगल में क्या हाल होता है शायद इस वीडियो ने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश करना तो हर किसी के लिए पहला ऑप्शन होता है, फिर भले ही अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा भी तो हमेशा संभव नहीं है कि ये शिकारी के हाथ ही आ जाए। कई मौके तो ऐसे भी आते हैं जब ये शिकारी की नाक के नीचे से भागने में भी सफल हो जाता है। इधर जंगल में आज एक चीता ने गैजल का शिकार किया हुआ है, मगर इसी वक्त यहाँ एक हायना की एंट्री हो जाती है और उसके आते ही चीता भी अपने शिकार को छोड़कर उससे दूर हट जाता है। वैसे ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हायना कितने खतरनाक होते हैं, शायद चीता भी इस बात से भली भांति वाकिफ है, तभी तो हायना के आते ही वो दूर हो गया। इधर हायना उस गैजल के पास पहुंचते ही पहले उसके पेट पर अपने नुकीले दांत गड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी नजर चीता पर पड़ती है और उसे वहां से खदेड़ने के लिए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। मगर इसी वक्त कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल जब हायना उस चीता पर हमला करने के लिए दौड़ता है तब गैजल एक्टिव हो जाता है और जैसे ही वो हायना को फिर से अपनी तरफ आते हुए देखता है तो तुरंत ही वहां से भाग निकलता है। वहां से भागते हुए उसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा होती है कि बेचारा हायना भी कुछ नहीं समझ पाता और गैजल उसकी गिरफ्त से बाहर हो जाता है। वैसे अगर आपने इस पूरी वाकये पर गौर किया हो तो ये बात भी देख ही ली होगी कि ये गैजल कितने चालाक होते हैं, क्योंकि अपने शिकारी को देखकर मरने का नाटक करने का ख्याल आना भी कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब आपके सामने एक नहीं बल्कि दो शिकारी जानवर मौजूद हो और आपके बचने के चांस काफी कम हो। वैसे कुछ भी कहिए, लेकिन गैजल की इस तरकीब ने उसकी जान जरूर बचा ली। तो दोस्तों, एक एंटीलोप की जिंदगी ऐसी ही होती है, ये जब सुबह नींद से जागते हैं तो इस बात का भी भरोसा नहीं होता कि ये आज का दिन जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। इन्हें अपनी हर सांस के साथ और भी ज्यादा चौकन्ना होना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जंगल में हर जगह पर खतरा इनका इंतजार कर रहा है और अगर इन्होंने चालाकी नहीं दिखाई तो इनका मरना तो तय है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।